ओम शांति। आज की तारीख है 19/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक वो सुनाने से पहले आज भी मैं आप सभी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव तो कल हमने मनाया, आज है मटकी फोड़ने का दिन। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था, इसीलिए सभी गोप गोपियां माखन को बहुत अपने घरों के अंदर भी ऊंचे चढ़ा करके लटका के रखते थे, उसको छीका बोलते थे। तो छीके में मटकी रख देते थे मक्खन की, ताकि वो वहां पर पहुंच न पाए। परंतु हमने देखा है श्री कृष्ण के चरित्र में ऐसा दिखाते हैं कि वो अपनी बाल गोपाल मंडली को लेकर के गोविंदा बन करके भी वो ऊपर चढ़ जाते थे और फिर वो मटकी का मक्खन खुद भी खाते थे, सभी मित्रों को भी खिलाते थे। तो आज है गोपाल काला। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है, तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे बन रही है? उत्तर है, अभी तुम श्री मत पर चल, 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ये तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्कर लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। तो ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाबा के पास आए हैं और अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण का पद पाने। गीत कौन सा बजा होगा आप समझ ही गए होंगे, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। आगे बढ़ते हैं, धारणा के लिए मुख्य सार के दो धारणा बिंदु। नंबर एक है, पद्मा पद्म पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है, पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। मुझे टाइम नहीं मिला, हम बहुत व्यस्त रहे, फुर्सती नहीं थी। बाबा कहते हैं ऐसे समय का बहाना मत निकालो, ऐसे नहीं कि पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। बाबा की श्रीमत है कि हम बच्चों को पढ़ाई रोज पढ़नी है। नंबर दो, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना और कराना है। वरदान सतगुरु बाबा का, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे भी बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उन्हें और किसी भी प्रकार का
सहारा नहीं चाहिए, वो सहारा उनको आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज हुई एक बाप दूसरा न कोई इसकी अनुभूति में रहते हैं। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।